आज हमारे पास है ह्यूंडई की बर्ना 1.6 डीजल, और ये 2018 मॉडल है आई थिंक। सो इसका आज हम लोग गाइस रिव्यू करेंगे, और इसके फीचर्स और इसकी राइडिंग क्वालिटी दिखाते हैं आपको कि कैसी होती है इसकी। सो यहाँ पे ये सीडान कार है एस यू कैन सी, और ये काफ़ी क्रेज इसका, इस कार का काफ़ी यंगस्टर्स में काफ़ी क्रेज है, और ये काफ़ी बिकती है। इसकी कंपटीशन में गाइस आती है होंडा सिटी, आई थिंक यही दोनों बस रहती हैं। वो थोड़ा प्रोफेशनल लोग चलाते हैं होंडा सिटी, जैसे कोई प्रोफेसर हो चुका है, कोई टीचर है। और इस कार को ज़्यादातर यंगस्टर चलाते हैं, और हमारे भैया भी लेके आए हैं, वो भी यंगस्टर ही हैं। सो अंदर पे आपको फिर दिखाते हैं। फ्रंट पे बात करते तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये सब गाड़ी सबसे टॉप मॉडल है। ये SX इससे टॉप भी आती क्या भैया? यानी टॉप कीजिए, यानी जिसमें सनरूफ लगा रहती है SX की है, ये आपको टॉप मॉडल ही दिखा रहे हैं। इससे टॉप मॉडल में फिर SX ऑप्शनल आता होगा आई थिंक, जो जिसमें वो ऑटोमेटिक हो रहता है, बस यही। तो इसके फ्रंट पे बात करते तो यहाँ पे अपने को DRLs दिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको DRL मिलेगी, और यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। हाइलोजन में है भैया, ये हाइलोजन में है। आप आफ्टर मार्केट इसको वाइट LED भी करा सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा फॉग लैम्प दिया गया है, इसमें भी फॉग लैम्प में भी आपको प्रोजेक्टर ही दिया गया है। और यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर, और यहाँ पे इसकी ग्रिल दी गई है, इसमें ह्यूंडई की बैचिंग दी गई है। फ्रंट से काफ़ी शानदार लगती है। और ये अपनी गाइस सेकेंड जनरेशन वरना है, और इससे अभी नई वाली इसकी, ये तो सेकेंड जनरे, इससे पहले भी आती थी, ये फर्स्ट जनरेशन का भी रिव्यू किया हूँ मैं, और अभी फोर्थ जनरेशन भी इसकी आने वाली है। और यहाँ पे फ्रंट से काफ़ी अच्छी, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है, जो कि यहाँ पे इंडियंस रोड और जहाँ पे हम लोग मोस्टली ये देखिए गांव के एरिया में रहते हैं, तो काफ़ी अड़ जाती है। और यहाँ पे इसका सबूत भी दिखाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए काफ़ी स्क्रैच पड़ चुका है यहाँ। ये यह ज़्यादातर सिटी में ही चलती है बाइक, सॉरी कार, लेकिन हम लोग जैसे यहाँ पे सब जगह चला लेते हैं। इसके ORBM पे बात करते तो यहाँ पे इंडिकेटर इसके ORBM में दिया गया है, और फोल्डेबल है। और इसके डोर पे बात करते हो तो इसमें कीलेस एंट्री दी गई है, की दबाते ही यहाँ पे लॉक और यहाँ पे अनलॉक हो जाती है, PPP हॉर्न बजाती है। और इसके इंटीरियर में चलते हैं, और यहाँ पे अपने को कोई अपने को सीट में एडजस्टेबल सीट नहीं दी गई है, और यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी है, जैसा कि हाइट भी इससे एडजस्ट होती है, यहाँ पे ये रिक्लाइन हो जाता है। अब इसके इंटीरियर में बात करते हैं कैसी लगती है ये। गाइस इसके इंटीरियर में कुछ इस टाइप का, और यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, यहाँ पे इंजन चालू हो चुका है, यहाँ पे सीट खुली हुई है, और यहाँ पे अपना सनरूफ दिया गया है। मैं काफ़ी हैप्पी फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे वरना का रिव्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे कंसोल देख सकते हैं आप, थोड़ा इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं। इसका इंजन कुछ इस तरह दिखाता है, और यहाँ पे AC ऑफ कर देते हैं, यहाँ पे AC का दिया गया है। मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, थोड़ा जब टाइम का प्रॉब्लम है। और यहाँ पे अपना ORBM एडजस्ट करने का, यहाँ से एडजस्ट होता है लेफ्ट राइट, और यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है पूरा अपने को, सेट कैंसल, और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन, कॉल कट करने के लिए, और यहाँ से सेट करते हैं। करते हैं तो गाइस इसका कंसोल आपको एनालॉग ही मिलेगा पूरा, यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। स्पीड 220 की स्पीड है, और यहाँ पे एवरेज 18 पॉइंट कुछ दिखा रही है। और यहाँ पे अपनी गाड़ी चल चुकी है 1,19,553 किलोमीटर, और यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं इसमें। जीरो की स्पीड, यानी इसमें डिजिटल स्पीड भी दिखाती है, और यहाँ पे 58 किलोमीटर की फ्यूल रेंज दिखा रही है, एवरेज स्पीड एवरेज 17 किलोमीटर, यहाँ पे सब चीज़ काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन दिखा रही है। आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है, AC आपको ऑन करके दिखाते हैं।
और यहाँ पे ये ऑफ कर देते हैं एसी। यहाँ पे अपने को इधर मिलता है सनरूफ का, यहाँ पे देख सकते हैं मिल रहा है, यहाँ पे सनरूफ ऐसा खुलेगी, आपको अल्ट्रा वाइड कर देते हैं, सनरूफ यहाँ से ऐसे खुलता है और यहाँ पे ये देखिए खुल रहा है पूरा सनरूफ, बढ़िया सनरूफ है छोटी सी। यहाँ पे फिर आपको निकल के भी दिखाएंगे, और यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग हाइट एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको पीछे का दिखाता हूँ फिर इसका स्पेस, बैक स्पेस पे बात करते हैं तो मेरी हाइट 6 फीट है, तो अब मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट किया तो थोड़ा यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज यहाँ पे इसका स्पेस काफ़ी कम है, देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड में कर दिया, स्पेस के मामले में वरना थोड़ी मार खा जाती है, जैसे कि यहाँ आगे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली मैं यहाँ पे किया हूँ, तो यहाँ पे मेरी हाइट ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रही है थोड़ा। अब ये सॉरी, मैं यहाँ पे हेड रूम भी काफ़ी कम पड़ रहा है। ऑटोमेटिक कार है तो 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। गाइस अपने को यहाँ पे एसी का ब्लोवर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। गाइस अपना गियर जो पुश, ये देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये जो बैक गियर लगेगा तो बैक गियर यहाँ पे जब प्रेस करते हैं तब बैक गियर लगता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे कंट्रोल दिखा ही चुके हैं। यहाँ पे गाइस मेरी हाइट 6 फीट है और इसका हम लोग कंफर्टेबल चेक करते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग सीट हाइट एडजस्ट किया हूँ, यहाँ पे मैं कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ और एकदम मैं परफेक्टली बैठा हूँ। आप पीछे आपको चल के दिखाते हैं कि कितनी स्पेस मिलती है पीछे जो मैं बता रहा था, तो यहाँ पे गाइस पीछे काफ़ी थोड़ा कम मिलता है, अगर दो बंदे 6-6 फीट के हैं जैसे मेरे टाइप के, तो यहाँ पे देखिए पैर अटक रहा है, यहाँ पे अच्छे से नहीं बैठ पा रहा हूँ और यहाँ पे हेड रूम भी काफ़ी कम पड़ रहा है, सो स्पेस के मामले में थोड़ी मार खाती है यहाँ पे। यहाँ से गाइस सनरूफ पे निकल रहा है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे, यहाँ पे सीट आगे जानी पड़ेगी। पर इसको भी सनरूफ जब आगे करना पड़ेगा तो यहाँ पे पीछे करना पड़ता है सीट को, वैसे सनरूफ अच्छी है पूरी निकलने के लिए, चलते हैं गाइस सनरूफ। तो यहाँ पे गाइस बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है, दिखाइए आप, इतना बूट स्पेस है कि एक बंदा अच्छे से आ सकता है, आराम से सो भी सकता है इसमें, आपको ट्रायल दे बैठेंगे आप। प्रोफाइल की बात करें तो इसमें अलॉय व्हील मिलता है, डायमंड कट अलॉय व्हील है और इसमें 16 इंच का अलॉय व्हील है और टायर की प्रोफाइल है 195 15R16, यानी 16 का मतलब 16 इंच का ये अलॉय व्हील है और बलेनो के बराबर है, जो बलेनो की टॉप मॉडल आती है उतना ही मोटा टायर है इसमें भी 195 के समथिंग, अच्छा दिख रहा है अलॉय व्हील, आपको दिखा देते हैं। बोनट खोलने के लिए यहाँ पे ऐसा होता है और स्टार्ट करके फिर आपको इसका इंजन नॉइस दिखाते हैं। ये 1.6 लीटर की कार है यानी, और इसमें 126 BHP और 260 Nm का टॉर्क मिलता है, ये डीजल कार है, तो यहाँ पे डीजल इंजन की आपको नॉइज़ सुनाते हैं कितना आवाज़ करता है, पेट्रोल के मुकाबले तो एक भी रिफाइंड नहीं है। थोड़ा रैप करिए भैया, थोड़ा थोड़ा रैप हो गया, दिखा देते हैं एक बार इंजन पूरा। यहाँ पे CRDI इंजन है 1.6, 1600 cc का इंजन है, अब की जो नई वाली आती हैं तो उसमें 1.5 लीटर का इंजन है। फिर आपको यहाँ पे वाइपर दिखाते हैं, वेंटिलेटेड सीट भी दी गई है, ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि जैसे कि गर्मी में अपन लॉन्ग राइड जब करते हैं यानी 200-300 किलोमीटर की राइड करते हैं तो यहाँ पे अपने पीछे पसीने आ जाते हैं, ये अच्छी बात है, बढ़िया फीचर दिया गया है इसमें। कंसोल में भी यहाँ पे डोर ओपन होता है, तो जैसे डोर ओपन होगा तो ये देखिए बंद हो जाएगा, और यहाँ पे सनरूफ अपनी ओपन है तो यहाँ पे सनरूफ का दिखा रहा है कि सनरूफ भी ओपन है। यहाँ पे फ्यूल के बार सब एवरीथिंग यानी
पूरे जो चीज है सब एनालॉग में है। दिखा देते हैं, ये देखिए कितनी प्यारी चमक नहीं दी डीआरएल पर, मैं चमक का है रही है। इसमें, यानी ये फ्रेम रेट का है। डीआरएल कितनी प्यारी लग रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये अपना ये सिक्वेंशियल नहीं है, लेकिन आपको वो दिख रही है इसमें। और यहाँ पे कितनी प्यारी, ओ माय गॉड।